मोड़ ऑफ मोहल्ला में अब आपको ले चलते हैं बस्ती जिले की हरैया नगर पंचायत में। 10 वार्डो की इस नगर पंचायत का मूल भापा हमारे संवाददाता ने। समाचार प्लस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी शो मूड ऑफ मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करता है। इस वक्त हम खड़े हैं बस्ती जिले की हरैया में। हरैया नगर पंचायत है। पिछले काफी दिनों से लगातार यहाँ से जिले की राजनीति चलती है। इस नगर पंचायत में पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ के चेयरमैन रज्जू गुप्ता जी हैं। हम आम आदमी से जानते हैं कि क्या कुछ हकीकत है और जनता आगे के लिए क्या सोच रही है। हमारे साथ व्यापारी नेता जी हैं जगदीश जी, इनसे जानते हैं हम कि क्या कुछ व्यापारियों को लेकर के इस नगर पंचायत में विकास। नगर पंचायत हरैया में आज के 10 साल पहले जब से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी यहाँ चेयरमैन नहीं थे, यहाँ तमाम तरीके की दुर्व्यवस्थाएं थी। तमाम तरीके से व्यापारियों का शोषण किया जाता था अराजक तत्वों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। लेकिन 10 वर्षों से जब से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हरैया के चेयरमैन हुए हैं तो निश्चित तौर पर व्यापारी समाज का उत्पीड़न बंद हुआ है और इनके प्रयास से हरैया का व्यापारी सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका को विकसित तब माना जा सकता है जब वहाँ का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हरैया की स्थिति कुछ इस तरीके से है। नगर पंचायत हरैया में विकास कार्य के नाम पे 10 साल में बहुत कुछ हुआ। हमारे यहाँ मोबाइल ट्रांसफार्मर आ गया, पेयजल के लिए तमाम सुविधाएं हुई, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत हमारे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन गए, सड़कें सब बन गई, बहुत ही विकास हुआ। इस विकास से हम लोग संतुष्ट। नगर पंचायत हरैया में तमाम कामों की बात की जा रही है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि तमाम विकास के कार्य किए गए हैं। हम आगे जानते हैं कि क्या कुछ सोच करके आप लोग इस बार चुनाव में वोट करेंगे। व्यापारियों की सुरक्षा और साफ सफाई, ये सोचकर हम लोग इस बार वोट करेंगे। साफ सफाई के लिए तो शौचालय हर वार्ड में बनाया गया, क्या कुछ हकीकत है इसकी? नहीं, वो सत्य है, यानी कि काम हुआ। हाँ, सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स बना है, एलईडी लाइट लगी है तमाम, और सौर ऊर्जा लगे हैं, हाई मास लाइट है, कि बहुत ही विकास कार्य हुए। विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक और, हम और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हकीकत है, क्या वास्तव में काम हुआ है या फिर सिर्फ हवा हवाई है। नहीं, आप अगर जाएंगे नगर पंचायत हरैया में तो आप देखेंगे सर कि यहाँ पे जेसीबी मशीन हुआ और तमाम जगह की सड़कें हुई और उसके बाद भयमुक्त हो गया हरैया। सबसे बड़ी बात तो भयमुक्त वाली है कि सर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी था, लेकिन 10 वर्षों में आप देखिएगा, यहाँ से जनता पे पता कीजिएगा तो यहाँ आदमी एकदम भयमुक्त हो चुका है और हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिली है, चाहे वो बेटियों की शादी में हो धनराशि पहुँचाने की, चाहे वो कोटे से सामान पहुँचाने की हो, हर तरह से आदमी खुशहाल है। हरैया नगर पंचायत की जनता का मूड आपने देखा। यदि यही स्थितियां रही तो हरैया में एक बार फिर से शायद रज्जू गुप्ता जी यहां से अध्यक्ष होंगे। हमारे साथ रज्जू गुप्ता जी यहां से, जो 2 बार से अध्यक्ष हैं, वो खुद मौजूद हैं। हम इनसे खुद जानते हैं इनकी जुबानी कि क्या कुछ विकास के कार्य इन्होंने किए हैं और आगे 5 साल क्या कुछ स्थितियां रहेंगी, क्या कुछ लक्ष्य लेकर ये चुनाव में आए। हमने नगर पंचायत का विकास किया है, जनता के लिए यहाँ सोलर लाइटें 300-400 लगवाए, हाई मार्क्स हुआ, एलईडी लाइट अभी हाल में लगी, तमाम सड़कें बन गई अच्छी, शौचालय हो गए और मैरिज हॉल हुए, कम्युनिटी हॉल बन गए और यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा जनता के लिए कराया गया और लाइट चली जाती थी इसके लिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था अलग से की गई नगर पंचायत से, यहाँ जनरेटर सेट की भी का लिया गया और आवास बनवाए गए जो अलाटमेंट हो चुके हैं, दुकानें बनी हैं जो अलाटमेंट होनी है, आसरा आवास 84 बनवाए गए हैं जो चुनाव बाद अलाटमेंट होंगे, और विकास किया है और विकास करेंगे। आपने खुद सुना कि यहाँ रज्जू गुप्ता के द्वारा जो जो वादे किए गए थे उन वादों को किस तरीके से पूरा किया गया और आगे भी तमाम बातें कह रहे हैं जिनको वो पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे यदि जनता दोबारा उन्हें मौका देती है। रजनीश त्रिपाठी, बस्ती समाचार। बस मूड ऑफ मोहल्ला में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।